झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव महेंद्र जामुदा ने गोइलकेरा प्रखंड के दर्जनों गांवों का दौरा किया, स्थानीय समस्याओं से हुए अवगत। महेंद्र जामुदा ने कहा कि बिजली नहीं पहुंच पाने के कारण आज भी ग्रामीण डिबरी की रोशनी पर है निर्भर। खबर विस्तार से। मनोहरपुर विधानसभा के अंतर्गत गोइलकेरा प्रखंड के सुदूरवर्ती गम्हरिया पंचायत के बड़गुवा कुमार तोडंगा बलिया अम्बिया बांगुरकिया लेबेंटा गांव के लोगों की मौजूदगी में झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता महेंद्र जामुदा की उपस्थिति में एक बैठक हुई, जिसमें पंचायत की समस्याओं पर चर्चा की गई। तो पता चला कि गम्हरिया पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। गांव में आंगनवाड़ी तो है पर हमेशा बंद रहती है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल पाता। गांव के स्कूलों का विलय कर देने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और शिक्षकों की भी घोर कमी है, जिससे पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है और कम उम्र में ही बच्चे पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायत भवन नाम मात्र का है क्योंकि वहाँ पर कोई भी पदाधिकारी नहीं बैठते हैं, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र के लिए भी प्रखंड जाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। बलिया लेबेंटा बांगुरकिया अम्बिया गांव में तो बिजली भी नहीं है और नदी पर पुलिया नहीं होने के कारण राशन भी समय पर नहीं उठा पा रहे हैं। लोग आज भी डिबरी की रोशनी पर जीने को मजबूर हैं, रास्ते की स्थिति दयनीय है। बैठक में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष नितिन जामुदा, प्रखंड अध्यक्ष गलिया सुरीन, ग्रामीण मुंडा सुशी अंगरिया, बाबूलाल चेरवा, दामोदर चांपिया, लक्ष्मण चांपिया, रोहिदास चांपिया, माचू सुरीन, राजू सुरीन, घनश्याम चांपिया, देवलाल चांपिया, राबिम चांपिया, उदय अंगरिया, सुलू सुरीन, राजबो सुरीन इत्यादि ग्रामीण उपस्थित थे।